पाटाला बाईपास रोड के मरम्मत का कार्य शुरू किया गया। गौरतलब है कुछ दिनों पहले इसी रोड पर एक पुलिसकर्मी की दुर्घटना में मौत हुई थी। भद्रावती तहसील के माजरी थाना अंतर्गत पटाला पुलिस चौकी के पास वनी वोर्रा हाईवे पर माजरी भद्रावती बाईपास रोड के त्रिमुहानी पर 15 जुलाई को सुनील खरोले उम्र 28 वर्ष के मौत के बाद सार्वजनिक बांधकाम विभाग की कुमकर्णी नींद खुली। पुलिस कर्मी सुनील खरोले 3 माह पूर्व चंद्रपुर से तबादला होकर माजरी थाने में अपनी ड्यूटी ज्वाइन की थी। पटाला बाईपास के पास किसी जांच कार्य के लिए जाते समय बड़े बड़े गड्ढे व बिखरे पड़े गिट्टी के कारण वह लड़खड़ा गया। तभी पीछे से तेज रफ्तार से आ रही रेत से भरी टिप्पर ने रौंद दिया और पुलिस कर्मी की मौत हो गई। जबकि सुनील खरोले बेहद गरीब परिवार से अपनी माता पिता का एकमात्र सहारा था, जिसका 3 माह पूर्व ही विवाह संपन्न हुआ था। मृतक के पिता मोची का कार्य करते थे। बेटे के पुलिस में भर्ती होने की खुशी और परिवार के सुख चैन को एक दुर्घटना ने सब कुछ बदल कर रख दिया। वर्तमान समय में बोर्रा सार्वजनिक बांधकाम विभाग जिस तरह से दुर्घटना होने के बाद से जागा है वह आश्चर्यजनक है। इसके पूर्व भी पटाला में अनावश्यक रूप से स्पीड ब्रेकर बनाने के कारण एक वेहिकुली कर्मी की मौत हो गई थी, जिसके बाद सभी स्पीड ब्रेकर को तोड़ दिया गया था। ठीक उसी तरह एक गरीब परिवार का बेटा मौत के मुंह में जाने के बाद सार्वजनिक बांधकाम विभाग को कर्तव्य बोध होना इनके कर्तव्य परायणता का बेहतरीन उदाहरण हो सकता है। लेकिन इस विभाग को सड़क दुर्घटना में मृत्यु के बाद ही सड़क की मरम्मत की याद क्यों आती है? सिटी न्यूज के लिए हमारे विशेष संवाददाता बबलू राय की रिपोर्ट।